चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सभी स्टूडेंट के मन में ये था कि रीनीट होगा या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक असमंजस्य वाली स्थिति बनी हुई थी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सभी के मन में। और पेपर जब लीक हुआ था तो पटना हाईकोर्ट में केस भी दायर हो गया था और इसके बाद में 13 कैंडिडेट को अरेस्ट भी कर लिया गया था इस पेपर लीक के मामले में। एक केस सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था और आज 17 मई 2024 को इसकी हियरिंग थी। 3 जजेज की बेंच ने ये फैसला दिया है कि नीट के रिजल्ट पर स्टे नहीं लगाया जा सकता। इसकी जो सुनवाई होगी, इसकी जो हियरिंग होगी, आफ्टर वैकेशन होगी, यानी कि जुलाई में जब वैकेशन खत्म हो जाएगा तो जुलाई में इसकी हियरिंग होगी और इसका जो रिजल्ट है नीट का वो 14 जून 2024 को आ जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि रीनीट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि नीट के रिजल्ट पर रोक नहीं लगाई जा सकती और इसकी जो सुनवाई है वो जुलाई में होगी। तो इससे साफ हो गया है कि रीनीट नहीं होगा। ये जो एक कंडीशन बनी हुई थी स्टूडेंट के दिमाग में, ये चल रहा था कि रीनीट होगा नहीं होगा क्या होगा, इस पर बिल्कुल क्लियरिटी आ चुकी है, रीनीट का एग्जाम नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। प्रूफ के लिए आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ये जो आर्टिकल है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि जो CJI है DY चंद्रचूड़ सिंह, उन्होंने ये बिल्कुल साफ बता दिया है कि नीट के रिजल्ट पर हम रोक नहीं लगा सकते और इसकी जो आगे प्रोसेसिंग होगी वो आफ्टर वैकेशन होगी, यानी जुलाई में होगी। इसकी जो हियरिंग होगी वो जुलाई में होगी। तो ये क्लियर हो चुका है, ये जानकारी मैंने आपको देनी थी। ये काफी स्टूडेंट के लिए दुख की बात भी है और काफी स्टूडेंट्स के लिए खुशी की बात भी है। जिनके अच्छे मार्क्स थे उनके खुशी की बात है, जिनके मार्क्स कम थे उनके लिए ये थोड़ी सी बैड न्यूज है। तो ये जानकारी थी रीनीट के बारे में। मिलेंगे नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।